Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते दोस्तों, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जिस एक मामले की देश में सबसे ज्यादा चर्चा है, वो मामला भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के जमानत को लेकर जो एक अर्जी आई थी कामिनी लॉ जज कामिनी लॉ की अदालत में दिल्ली में, और इसको लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है। तो इसमें हुआ क्या है और क्या क्या चीजें हुई हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के वकील महमूद प्राचा साहब मौजूद हैं। महमूद प्राचा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक ऐसा मुकदमा इस बीच में लड़ा है जिसको लेकर हो सकता है कि देश में पूरे जुरिस्प्रूडेंस और पूरे लीगल फ्रेटर्निटी में जिसकी चर्चा है, तो कृपया हमें और अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या, किस तरह का मामला है और आज क्या हुआ कोर्ट में। जय भीम आप सभी को। देखिए, चंद्रशेखर आजाद साहब के खिलाफ ऐसा कोई इतने बड़े संगीन इल्ज़ाम नहीं थे ना हैं, मगर फिर भी पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल लीडर ऐसा है या जो सोशल लीडर ऐसा है जिसको इस सरकार ने बंद कर रखा है और ना सिर्फ जेल में डाल रखा है बल्कि उनकी मेडिकल कंडीशन को भी नज़रअंदाज करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो इसी संदर्भ में एक तो वो बेल लगाने के लिए हमें मना करते आए और उनका एक समय जो एक उनका एक हमेशा नियम रहा है कि जो भी लोग उनके साथ गिरफ्तार होते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट में, उनको वो पहले छुड़वाते हैं, उसके बाद वो बेल लगाते हैं अपनी। इस केस में भी जब बाकी सबकी बेल हो गई, दरियागंज के सभी लोगों की, तब उन्होंने बेल लगाने की इजाज़त दी, हालांकि उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी। तो हमने बेल लगाई तो आज पुलिस के जो सरकारी वकील थे और पुलिस जो आईओ साहब हैं वो आए और उनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब के खिलाफ ऐसे क्या चार्जेस हैं। जो उन्होंने पहला चार्ज बताया कि इन्होंने प्रोटेस्ट की जामा मस्जिद के ऊपर, तो इसका हमने भी बोला और ट्विटर पे भी दी और वैसे भी और कॉल दी तो भीम आर्मी ने और चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने। तो इसमें जज साहब ने भी पूछा और हमने भी पूछा कि इसमें कौन सी बुराई है या कौन सा अपराध है, क्योंकि संविधान की रक्षा करने के लिए अगर उन्होंने कॉल दिए तो ये तो उनके हिसाब से क्या उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हिसाब से उन्होंने दी, तो इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं। इसको सुनकर दूसरा जो उधर से वो आया फिर कि दूसरा चार्ज उनके ऊपर ये है कि उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से संविधान का प्रीएम्बल पढ़ा और उसके बाद एक स्पीच दी। तो इस पे जो जज साहब ने टिप्पणी की कि जामा मस्जिद अभी देश का ही अभिन्न अंग है, कोई पाकिस्तान नहीं है जो वहाँ देश का संविधान नहीं पढ़ा जा सकता और वहाँ पर कोई अपनी स्पीच नहीं दे सकता, तो इसका भी कोई जवाब दिल्ली जो दिल्ली पुलिस के वकील थे उनके पास नहीं था। तो उन्होंने तीसरी बात जो कही वो ये कही कि वहाँ पे उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया एक और उसको हमने ड्रोन से कैप्चर भी किया। तो इसके सवाल में हमने उनसे ये सवाल पूछा और जज साहब ने भी इससे फिर कहा कि हाँ ये बताइए आप। हमने कहा जब ड्रोन से इन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है तो वो मेहरबानी करके आप जो रिकॉर्डिंग जो स्पीच की है वो सुना दें, फिर मैं बहस में एक भी लफ्ज़ आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि पुलिस का सारा केस झूठा है। क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला वो पहली बात ये बोली कि हमें भारत के संविधान की रक्षा करनी है और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संविधान की धारा 51A के तहत हमें संविधान की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है संवैधानिक, तो हमें वो काम करना है। दूसरा, हमें उन्होंने ये बताया कि किसी भी प्रकार से इसको मुसलमानों के खिलाफ नहीं समझाना जाना चाहिए, इसको NRC और NP के कानून को, ये SC ST और OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उतना ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा है जितना है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ख़ासतौर पे ST और SC के खिलाफ, जिनके पास अगर उनको किसी भी तरीके से शक के दायरे में डाला गया तो उनके पास तो मेजॉरिटी के पास कभी एक इंच भी जमीन की मालिकाना हक नहीं रहे हैं, वो अपनी नागरिकता कैसे साबित कर पाएंगे और नागरिकता ना साबित करने के वजह से उनके राइट टू वोट चला जाएगा, उनका राइट टू एजुकेशन चला जाएगा, उनका राइट टू जो बिजनेस होता है वो चला जाएगा, उनका राइट टू प्रॉपर्टी चला जाएगा, मतलब उनके घर कारोबार, उनकी रिजर्वेशन, उनकी नौकरियां सब एक झटके में चली जाएंगी। तो ये ज़्यादा SC ST के खिलाफ ज़्यादा है, तो इस बात से सरकार का सारा नैरेटिव गिर जाता है। तो इसलिए, और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बोली कि यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल रहना है, बाबा साहब ने हमें ये सिखाया कि हमें कलम से काम करना है, तलवार से नहीं, और जो भी व्यक्ति चाहे कितनी भी प्रोवोकेशन हो, कितनी भी हम पे पुलिस लाठी चलाए या कोई पत्थर भी फेंके हम के ऊपर, तो हमें वायलेंस नहीं करना है, जो भी इतनी सी भी वायलेंस करेगा किसी भी प्रोवोकेशन में वो हम में से नहीं, वो RSS का एजेंट होगा।
तो ड्रोन का जो वीडियो उन्होंने दिखाया क्या, आप लोग सुन पाए क्या उन्होंने, चंद्रशेखर ने क्या कहा था? तो इस बात के जवाब में जज साहब ने भी उनसे कहा कि आप चलिए आप हमें ऑडियो सुनाइए, जब आपने रिकॉर्डिंग की है तो उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए उसकी, हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उनकी। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया, फिर हमने भी कहा और जज साहब ने भी ये टिप्पणी की कि इसका मतलब तो ये है कि आप रिकॉर्डिंग तो की होगी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो अनाउंस करके गए तो रिकॉर्डिंग तो चैनल पर भी दिखाया गया और सब कुछ पब्लिक था, वो कैसा छुपी हुई रिकॉर्डिंग तो हुई है पक्का, लेकिन आप वो सुनाना नहीं चाहते क्योंकि उससे आपका शायद झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए या उसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया इसलिए आप उसको सुनाना नहीं चाहते। हमने वहां यही ये भी कहा कि आप चलिए सुनाइए नहीं, क्या उन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीच दी थी वो शब्द कम से कम अदालत को बता दीजिए, तो वो शब्द भी नहीं बता पाए कोई। तो ये शायद इस डर से कि उन्हें ये डर ना हो कि हमने भी रिकॉर्डिंग कर रखी होगी तो हम उनकी सारी बात झूठ नहीं साबित कर दें, तो इसलिए बिल्कुल उनका झूठ सफेद पकड़ा गया। फिर अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि इनके ऊपर 9 मुकदमे हैं इसलिए इनको जमानत नहीं दी जाए। तो 9 मुकदमों में से पहला मुकदमा तो जो गुरु रविदास जी के मंदिर के ऊपर जो एक मुकदमा हुआ था उसको तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुद क्लोज करने का डायरेक्शन दिया है, तो हमने उसके संदर्भ में ये कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है और हम इसके खिलाफ कंटेम्प्ट मूव करेंगे दिल्ली पुलिस के खिलाफ। बाकी जो 8 मुकदमे थे जो यूपी पुलिस ने दर्ज किए थे उसके लिए जज साहिबा ने ये जो टिप्पणी की कि इसमें ज़्यादातर जो मुकदमे हैं सिवाय एक को छोड़ के उसमें 147, 48, 49 की धाराएं लगी हुई हैं, और उन्होंने कहा कि मैं खुद एक एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रही हूँ, ये धाराएं जिन लोगों पे लगी हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग हैं और उनमें से ज़्यादातर अब कोई चीफ मिनिस्टर है कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये भी एक उभरते हुए नेता लग रहे हैं मुझे, तो ये भी कोई अपराध नहीं है, पॉलिटिकल अपराध नहीं है। तो उसके बाद जो पुलिस के पास ये उन्होंने बहाना पुलिस ने ये बनाया कि हमारे पास अभी इन केसेस की डिटेल नहीं है जो कि यूपी में है, हालांकि हमने ये भी कहा कि इन सभी केसेस में पुलिस वो बेल पर हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक बहुत ही अजीब बात कही कि हमने तो उन्हें अरेस्ट ही इसलिए किया था क्योंकि यूपी में सारे मुकदमों में वो बेल पर हैं, ये टिप्पणी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कही। तो यही ग्राउंड उनका, सिर्फ एक ग्राउंड यही था कि क्योंकि वो बाकी सब मुकदमों में बेल पर हैं तो हमने अरेस्ट ही उन्हें इसलिए किया। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात जो समझ में आ रही है और जिसकी चर्चा भी है कि उन्होंने एक धारा 144 वहाँ लगा रखी थी और इसका उल्लंघन हुआ है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक आर्गुमेंट था। तो इसके जवाब में आपने क्या कहा और जज साहिबा का क्या इसमें किस तरह का ऑब्जर्वेशन था? देखिए, धारा 144 वहाँ पे एक तो नहीं लगी हुई, पूरी एफआईआर इस बारे में साइलेंट है और आज भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने ये नहीं कहा कि वहाँ पे धारा 144 लगा रखी थी। ये कहा कि धार्मिक स्थल से संविधान पढ़ा गया और स्पीच दी गई, धार्मिक स्थल से, ये ऑब्जेक्शन है। तो इसी पे जज साहब ने वो टिप्पणी की थी कि धार्मिक स्थल में कोई मनाही नहीं है, पार्लियामेंट पे भी कोई मनाही नहीं है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके संविधान पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो धारा 144 की बात नहीं है, जहाँ तक धारा 144 की बात है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्लियर है कि आप रूटीन तौर पर ये जो किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाने के लिए धारा 144 नहीं लगा सकते, ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट्स हैं इस प्रकार की कि धारा 144 की कोई बात ही नहीं हुई। एक सवाल मैं थोड़ा लॉ के बियॉन्ड जानना चाहता हूं आपसे कि सीए और एनआरसी को लेकर देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, हजारों भाषण हो चुके हैं, लोगों ने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में अपने स्पीचेज किए हैं, लेकिन एक अकेला आदमी ऐसा है जो कि पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से जेल में है और स्टेट ने या पुलिस आप कहिए उसके ऑपरेटर्स के तौर पर ये क्यों चुना कि चंद्रशेखर को ही जेल के अंदर रखना है, क्योंकि भाषण तो बहुत लोगों ने दिया और इनके भाषण, चंद्रशेखर का भाषण तो इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन में है कि सबने सुना है और कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, जाहिर है इस वजह से उन्होंने उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनाई। तो आखिर चंद्रशेखर ही क्यों, ऐसा क्या खास है उस आदमी में? अब कुछ तो खास है ही, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनको अरेस्ट कराने के 2 दिन बाद ही रामलीला मैदान से ऐसा बोलते हैं कि कुछ दलित नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ तो खास है ही चंद्रशेखर साहब में। जो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है जो खास है, उन्होंने जो आरएसएस का एक नैरेटिव है जिसके अंदर या तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ फंसी हुई हैं या फिर जानबूझ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ फंसना चाहती हैं ताकि आरएसएस की परोक्ष रूप से मदद कर सकें, और वो है कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। यही डिफाइनिंग मोमेंट था जामा मस्जिद पे चंद्रशेखर आज़ाद साहब का, जो उन्होंने इतनी बड़ी साजिश, जो कि कोई इस पक्ष से बोले या खिलाफ बोले या पक्ष में बोले, फ़ायदा आरएसएस को या मोदी सरकार को ही होना था, उसका जो नैरेटिव था एकदम ध्वस्त कर दिया ये बोल के कि ये
दरअसल मनुस्मृति लागू कराने की तरफ एक कदम है। दरअसल ये एससी एसटीज और ओबीसीज और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ ज़्यादा है, मुसलमानों से भी ज़्यादा, और ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और मुसलमान भाइयों के खिलाफ है भी, तो उसमें हम जो उसके जो दलित भाई हैं, जो एससी एसटी ओबीसी भाई हैं, वो हम उनसे आगे रह के उनकी लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे, किसी भी प्रकार से बाबा साहब के संविधान को नुकसान नहीं होने देंगे, मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। यही मेरे ख्याल से एक अकेला नेता है जिसने ये नैरेटिव तोड़ा सरकार का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आरएसएस उनसे नाराज़ है, और उनको सिर्फ जेल में बंद करने की बात नहीं है, उनको मरवाने तक की साजिश हो रही है, इलाज ना हो उनका पाए। इलाज ना करवा के इतनी सीरियस बीमारी में, देखिए सर्दी का मौसम है और उनको इस प्रकार की दवाइयां दी जेल में जो कि उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी, तो ये इतनी बड़ी साजिश है क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम सब इसीलिए जी जान से उनके साथ लगे हुए हैं कि वही एक अकेला नेता है जो कि एक्चुअल लड़ाई लड़ रहा है सरकार से। एक चीज मैं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तिहाड़ जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है, तो अगर जब दिल्ली पुलिस का एक जो आप का जो आर्गूमेंट जो रखा जा रहा था उसको उसकी उसको फॉल्सिफाई करने के लिए पर्याप्त मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो या ऑब्जर्वेशन या टिप्पणियाँ जज कामनी लॉ ने कही हैं, लेकिन तिहाड़ जेल का इस बारे में क्या रवैया रहा अब जिस पीरियड में चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में रहे? देखिए मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जेल जो है जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और इस बात में हम बहुत हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर जो तिहाड़ जेल काम करती है, जो डॉक्टर्स दिल्ली सरकार के अंडर काम करते हैं, वो इस प्रकार की कार्रवाई में क्यों लिप्त हैं जिससे उनको मतलब उनकी जान तक को खतरा पहुंचाने के लिए कोर्ट में आके तक के दिल्ली सरकार के डॉक्टरों ने और जेल के डॉक्टर्स ने झूठ बोला, जबकि और उन्होंने रिपोर्ट जो फाइल की उसमें लिखा था कि इन्होंने चंद्रशेखर साहब ने बता दिया था कि मुझे पॉलीसाइथीमिया है, जेल के डॉक्टर ने आके बोला कि मुझे पहली बार कोर्ट में मेरे आर्ग्यूमेंट्स के दौरान पता लगा कि इनके पॉलीसाइथीमिया है, और हम उन्हें दूसरी दवाइयां ही देते रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले दिन यही बहस की कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के हाथ सूज जाना और किसी के पैर सूज जाना और किसी को ब्रेथलेसनेस होना और उसकी आंखों में इरिटेशन होना, ये तो आम बीमारी है। तो ये इस हद तक अगर क्रिमिनल हद तक जाके दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो मैं सच में हैरान और परेशान दोनों हूँ। और कोर्ट ने फाइनली तो जो तिहाड़ के जेल के डॉक्टर्स हैं उनके आर्गुमेंट को नहीं माना और उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा फाइनली। मैजिस्ट्रेट साहब ने वहां भी लताड़ा था दिल्ली सरकार के डॉक्टरों को कि ये आप क्या कर रहे हैं, किसी की सेहत की सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते कि उनको एम्स नहीं कहीं और ले जाएंगे, आपको क्या परेशानी है, यदि उनको एम्स में ही इलाज हो रहा है उनका तो उनको एम्स ही ले जाया जाए, तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? और इलाज की वो कंटिन्यूटी है, ऐसा भी नहीं कि कोई उन्होंने चुना कि मुझे वहां जाना है, वो इलाज वहां चल रहा था। एक बात मैं प्राचा साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आज जो जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस जज साहब ने दिए, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, कोई है क्या, और क्या इससे पूरे जो एक इंडिया में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं इस पर किसी तरह के इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप देख रहे हैं क्या, डिस्कोर्स कोई चेंज होता है क्या इससे? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आज जज साहिबा ने बात की एक सिर्फ एक अगर नॉर्मल हालात होते तो एक ये जुडिशस सिंपल जुडिशस ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन आज जो माहौल जो बना हुआ है पूरे देश का इतना विषैला कर दिया है आरएसएस ने और इस सरकार ने कि ये एक बड़ी बात लग रही है, वरना ये एक बहुत मामूली सी बात है, लेकिन इस माहौल में ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। और मैं समझता हूँ इस टिप्पणी को हम सभी लॉयर्स को, सभी जजेस को, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस क्यों ना हो, इसकी गहराई को समझना चाहिए बात कि क्यों एक ऐसे जज को जो जुडिशियस जज है उसको ये टिप्पणी करके बताना पड़ा, देश को याद दिलाना पड़ा कि जामा मस्जिद भी देश का हिस्सा है, पाकिस्तान नहीं है, वहां पे संविधान पढ़ा जा सकता है। तो किस हद तक देश की जो हो गई, मैं कहता हूं कि इसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए, हमारी सरकार को भी समझना चाहिए इस बात को, और जजेस को, जुडिशरी को और लॉयर्स को तो खास तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि संविधान की रक्षा करना कितना अहम हो गया है आज। एक आखिरी बात जो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जिस तरह से स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो वकील हैं उन्होंने जिस तरह के आर्गुमेंट्स रखे वो क्या एक सिंपल लीगल प्रोसेस है या ये एक, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास कई बार इन चीज़ों को प्रभावित करता है और गाइड भी करता है, तो आप चूँकि उसमें आप खुद आर्ग्यू कर रहे थे और वहाँ मौजूद थे, तो आपको क्या लगा कि अल्टीमेटली
डिज़ाइन क्या है, क्या अचीव करना वो चाह रहे हैं। और हालांकि अब उनके आर्गुमेंट्स इस समय तो सारे ज़मीन पे गिरे हुए हैं, उनके आर्गुमेंट्स आज की तारीख में कोई उनके आर्गुमेंट्स की लीगलिटी पर बात भी उस तरह से नहीं हो रही, क्योंकि वो काफ़ी फटकारे जा चुके हैं। लेकिन दरअसल वो क्या अचीव करना चाह रहे थे ये सारे आर्गुमेंट्स लाके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये आर्गुमेंट्स एक सिंपल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होगा, ये स्टेट का ही आर्गुमेंट के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। देखिए, यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, चंद्रशेखर साहब और हमने मिल के एक PIL वहाँ भी डाली है, उत्तर प्रदेश में भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। वहाँ हमारा जो मेन ग्राउंड है ये कि जो पुलिस अधिकारियों ने और जो वहाँ के IAS ऑफिसर्स ने जो भी कार्रवाइयाँ की, यदि वो संविधान के दायरे से बाहर जाके अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पे संविधान और कानून के दायरे से बाहर जाके किए हैं, तो वो आम आदमी नागरिक की तरह जैसे एक क्राइम होता है वही क्राइम माना जाएगा। 302 के मुकदमे दर्ज होंगे पुलिस वालों के खिलाफ और दूसरी कार्रवाइयाँ DM वगैरह के खिलाफ भी होंगी। उसी प्रकार से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट को, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट भी हैं इस बारे में, कि भले ही उसका क्लाइंट कुछ भी कहे, यानी कि पुलिस उसको कुछ भी कहे, वो पुलिस का स्पोक पर्सन नहीं है, उसको एक्यूज के फेवर में अगर कोई डिफेंस काउंसिल भी गलती कर रहा है, जो पॉइंट ऐसा कोई है जो मुझसे चूक हो रही है जो डिफेंस काउंसिल से, तो वो भी पॉइंट आउट करना पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पब्लिक का वकील है, पुलिस का वकील नहीं है, वो स्टेट का वकील है। मगर ये जिम्मेदारी आजकल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भूल रहे हैं, और जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट की वो एक द्वेष की भावना से और प्रेजुडिस करने के लिए जज्स को इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट की है, जिसके कोई भी सबूत उनके पास मौजूद नहीं थे, जिसके लिए उनको सख्त टिप्पणियां भी झेलनी पड़ी। अच्छा, आपके जो पूरे आर्ग्यूमेंट थे उसका मेन स्टे क्या था? आप कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ बुक्स से, जहाँ से आप प्रेफर कर रहे थे, वो उसके मेन कुछ पॉइंट्स क्या थे जो आप जहाँ से आप ड्रॉ कर रहे थे? ये सारा फिलोसॉफिकली आप कहाँ से इस पूरे आर्ग्यूमेंट को ड्रॉ कर रहे थे? फिलोसॉफिकली तो ये आर्ग्यूमेंट हमारी यही है कि कोई भी सरकार जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वो डंडे के जोर पे, पुलिस के जोर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रोक सकती। यही हमारा बुनियादी बात था और इसके अलावा कुछ नहीं था। आप उसको काउंटर कर सकते हैं कानूनी तरीके से या अपने आर्ग्यूमेंट देके, डंडे के जोर से आवाज़ नहीं दबा सकते, जेल में ठूस के किसी को इलाज ना करा के उसको मृत्यु की शैया पे नहीं पहुंचा सकते। यही सब हमारा बुनियादी आर्ग्यूमेंट था, और पुलिस के पास और सरकारी वकील के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो उनको बेल ना मिलने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद प्राचा साहब, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया। दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए और इतने टीचर के तौर पर शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और द प्रिंट का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।